लोगों से था, यहाँ पे पावर पे हीट क्यों नहीं थी, जल्दी बताओ। क्योंकि अब हम नॉर्मल टेक्नीशियन नहीं है, अब हम स्किल्ड टेक्नीशियन है। क्या हमको पता है कि पावर पे हीट देने से सेट चालू नहीं? हम सुनते हैं सिर्फ अपनी जिद की। जिद है मेरा फितूर, जिद है मेरा गुरूर, जिद है मेरी जुर्रत। सर को सर से मिलाता हूँ, ये है एशिया टेलीकॉम के ऑनर सर। थैंक यू वेरी मच और वेलकम टू यू आपका, कि आप इतनी दूर से आए मलिक सर। थैंक यू वेरी मच और थैंक यू। और मेरे साथ एक और सर है जो अभी वीडियो ले रहा है, अभी नाम आपको पता चल जाएगा आगे। तो आप देख रहे हैं ये बिल्डिंग है हमारी, और ये पूरी बिल्डिंग हमारी है, और इसमें जितने भी फ्लोर हैं उन सब पे अभी हम ही हैं फिलहाल। और फिलहाल हम किस फ्लोर पे काम कर रहे हैं आपको लेके आते हैं, आइए। तो यहाँ पर ये एक मच्छी मार्केट है, और काफ़ी अच्छा और स्वच्छ मच्छी मार्केट है, और यहाँ पर जो भी लोग काम करते हैं काफ़ी अच्छे हैं, आप देख सकते हैं। और इनकी वजह से जो ये मच्छी मार्केट है, इनकी वजह से यहाँ पर काफ़ी साफ सफाई रहती है और असामाजिक तत्व बिल्कुल नहीं आता है यहाँ पर। ये हमारी बिल्डिंग है, आप देख सकते हैं यहाँ पर दो यहाँ पर लगे होंगे सर्विस सेंटर, यहाँ पे बोर्ड लगे होंगे, ठीक है। एक चीज मैं यहाँ पे घुसने से पहले आपको बताना चाहूंगा कि हमारे यहाँ आप आएंगे तो पहले आप कॉल करके आइएगा, क्योंकि हमारे यहाँ विजिटर अलाउ नहीं है, क्योंकि हमने कोई ऐसा सिस्टम नहीं बिठा के रखा है कि आप आएंगे और हम आपको आंसर देंगे। आप हमारे यहाँ कॉल कीजिए और कॉलिंग पे सारी बातचीत पता पक्का कीजिए, उसके बाद हमारे पास आइए, क्योंकि यहाँ पे सारे टीचरों के बाद ना पढ़ाने का समय है खाली। तो अब यहाँ पे एंट्रेंस में आ जाइए, तो ये एंट्रेंस है हमारी, ये हमारे मीटर्स लगे हुए हैं बिल्डिंग के, ये पूरी बिल्डिंग एशिया टेलीकॉम की ही है। ये हमने अभी नया लगवाया है ताकि सामने के लोग यहाँ पे जाके नहीं। और ये देखिए, तो सबसे पहली बात बता दूं, हम फॉलो करते हैं रूल्स। सबसे पहले कि हम क्लासेस में चप्पल या जूते कभी नहीं ले जाते हैं, बिल्कुल नहीं। और रीजन क्या होता है कि जहाँ लक्ष्मी या जहाँ काम का वास होता है वहां पे कभी नहीं होना चाहिए। सो यहाँ पर एक लैब आप देख सकते हैं, ये प्रैक्टिकल लैब है, एक लैब ये देख सकते हैं थोड़ी लैब है। तो पहले थोड़ी लैब दिखा देता हूँ, आइए। तो अभी स्टूडेंट को छुट्टी दी हुई है, आइए राकेश सर यहाँ पर। तो यहाँ पर आपको ये हमारा, यहाँ पे हम लाइव प्रैक्टिकल स्टूडेंट को करके दिखाते हैं। ये उनके अभी भी सेट है जो आज हमने लाइव डायग्नोस किए ये सारे। और यहाँ पर हमारे टीवी लगे हुए हैं, ये आप देख सकते हैं, ये हम मल्टीमीटर्स ताकि दूर से भी दिख सके, नहीं तो लोगों को, लोग इतनी दूर से मल्टीमीटर दिखाते हैं, दिखता कुछ भी नहीं है, ठीक है। और यहाँ पे स्मार्ट टीवी, जो भी चीज पढ़ाते हैं ये स्मार्ट टीवी के थ्रू आपको देखने को मिलेगा। ये देखिए, ये स्मार्ट पैनल के थ्रू यहाँ पे पढ़ाया जाता है सारी चीजें, तो इस टीवी के थ्रू पढ़ाते हैं। अब इसके बाद ये हमारा बैठने का है, जिसमें यहाँ पर एसी, पूरा आपको एसी मिलेगा। और ये हमारे सर्टिफिकेट है, सर्टिफिकेट दिखा दीजिए, और भी हमारे बहुत सारे सर्टिफिकेट हैं। ये हमारे, ये सर्टिफिकेट आप देख सकते हैं एशिया टेलीकॉम के यहाँ पर, ठीक है। अब हम, मैं आपको दिखाता हूँ हमारी प्रैक्टिकल लैब, मे बी हिंदुस्तान की एक बड़ी लैब, ये देखिए। तो ये लैब, पहले आप यहाँ से थोड़ा सा किनारे होके पूरी लैब आप जहां तक घुमा सकते हैं वहां तक घुमाइए। आप देखेंगे तकरीबन कितने माइक्रोस्कोप आपको दिखाई दे रहे होंगे, और जितने इधर होंगे उतने यही लगे। देखो, माइक्रोस्कोप की कमी नहीं है, एसएमडीज की कमी नहीं है, और ये सब बेचने के लिए नहीं है, सब स्टूडेंट के लिए है। सर मेरा एक सवाल है, यहाँ पर जो एसएमडी मशीन है वो 850 भी है और 857 भी है और 861 भी है, तो ऐसा क्यों है, 857 क्यों रखा है और ये अलग अलग प्रकार की क्यों रखी है, क्योंकि आपको अलग अलग रखा है ये, उसका रीजन बताइए थोड़ा। देखिए, रीजन ये है कि अगर मैं स्टूडेंट को खाली ये एसएमडी से पढ़ाऊं और तो मैं स्टूडेंट को एक ही चीज बोलूंगा और ये बोलूंगा कि भाई इससे बिना काम नहीं हो सकता, तो जो कि गलत है। और मैं स्टूडेंट को अगर इससे पढ़ाऊं तो मैं यही बोलूंगा इसके बिना काम नहीं होगा, तो स्टूडेंट पे दबाव पड़ जाएगा इतनी महंगी एसएमडी खरीदने का। तो इसलिए मैंने तीनों एसएमडी रखी है कि तू जब आईसी निकाल रहा है तो कोई भी एसएमडी से निकाल, तेरा काम ट्रिक पे होना होगा। तो एक जो एक स्टूडेंट होगा उसको ऐसा तो नहीं है कि उसको एक सौंप दिया 850, बिल्कुल नहीं। यहाँ स्टूडेंट की जगह स्थिर नहीं है, आप स्टूडेंट अपनी जगह भी चेंज कर सकता है अपने सहूलियत के हिसाब से। अच्छा, ये सीट क्लियर नहीं है, बिल्कुल ये सीट उसी बंदे की है, बिल्कुल। और सबको यहाँ पर
टूल्स दिया जाता है। दीपक सर टूल्स दिखाइए, जैसे ये किट में क्या क्या टूल्स दिया जाता है। ये पूरी किट दी जाती है और अभी तो स्टूडेंट ने पूरा खोल लिया है, बताओ सर। स्टूडेंट अपना काम कर रहे हैं जिसकी वजह से टूल अब उनका इधर उधर में पड़ा हुआ है, जैसा कि आप देख पा रहे होंगे। ये मैकेनिक का हम लोग पीसीबी होल्डर देते हैं और एक कटर देते हैं और ब्रश देते हैं और इनको स्पेशली पर्टिकुलर एक एएमएमसी और ये देखो टूल देते हैं। ऑटो मोड मल्टीमीटर, कोई पीले कलर का मल्टीमीटर नहीं देते भाई। और जो राकेश जो इंस्टीट्यूट पीले कलर के मल्टीमीटर में पढ़ाता है, पहली बात तो उसको नॉलेज ही नहीं है, क्योंकि पीले कलर के मल्टीमीटर में रेजिस्टेंस की वैल्यू नाप ही नहीं सकता है आदमी। हाई वैल्यू रेजिस्टेंस, उसमें हर रेजिस्टेंस ओपन दिखाई देंगे। बताओ सर। तो आपने जैसा कि देखा इन लोग ये सारा टूल हम लोग अपने स्टूडेंट को देते हैं, बिल्कुल एक एमएमसी का पर्टिकुलर स्टेंसिल लेते हैं और यूनिवर्सल के लिए एक हम लोग जिसमें सीपीयू रिवॉल्व करते हैं। पहले दिन से लेकर चौथे दिन तक हम लोग इनसे सीपीयू रिवॉल्विंग करवाते हैं और चौथे दिन में सीपीयू भी निकाल के चालू करवाते हैं। यहाँ पे कैमरा दिखाइए, तीनों में आपको एसी मिलेंगे, पूरी फुल एसी क्लासेस है यहाँ पर। और ये हमारी यहाँ पे हम लोग प्रैक्टिकल बैठे हैं, ये तीनों जगह टीवी लगे हैं ताकि बच्चे हर कॉर्नर से टीवी पर देख सके यहाँ पर। और थोड़ा लैब दिखाइए यहाँ पर, एक टीवी पीछे भी लगा हुआ है, एक टीवी पीछे भी लगा हुआ है यहाँ पर, और फैंस अलग लगे हुए हैं। जहां भी देखेंगे आपको कोई भी ऐसी एसएमडी या माइक्रोस्कोप नहीं दिखेगा जो बंद पड़ी हुई है, सब चालू है और सारे स्टूडेंट बैठे हैं। दोस्तों यहां पर हमने है ना 50 के ऊपर 55 के ऊपर स्टूडेंट बिठाए, क्योंकि कोरोना के बाद में एक नियम लागू हो गया था, तब से हम केवल 25 या 30 स्टूडेंट ही बिठाते हैं यहाँ पर। जी तो हाँ, टूल तो काफी अच्छे हैं, क्योंकि किसी इंस्टीट्यूट में माइक्रोस्कोप है मगर उतना नहीं है, उतनी क्वालिटी नहीं है। और दूसरी बात आयरन की बात बोलू मैं, आयरन आपको ज्यादातर इंस्टीट्यूट में वही 50, 70, 80, 100 रुपए वाला मिलेगा। यहाँ पर आयरन देखिए, मैकेनिकल जो भी टूल मिलेगा वो ब्रांडेड ही मिलेगा, एक किस्म से देख सकते हैं। मैकेनिकल T12 प्रो यहाँ पर आयरन है और मल्टीमीटर सारी जगह, ऐसा नहीं है कि एक ही जगह पर नीला वाला मैकेनिक का या सनशाइन का हो या फिर पीला वाला अलग जगह हो, ऐसा कुछ भी नहीं। सारी जगह पर एक ही ब्रांड है और जो बेस्ट ब्रांड है वो सब कुछ यहाँ पर। बूट केबल भी सारे लोगों को मिलता है और पीपीडी, यहाँ पर पीपीडी मैंने देखा तो पीपीडी यहाँ पर बीएनआर का प्रीमियम क्वालिटी वाला पीपीडी मिलता है। राकेश जी एक बार बताना चाहूंगा, मलिक सर आओ, ये हमारे लिए बड़ी गौरव की बात है कि हिंदुस्तान के इतने बड़े इंस्टीट्यूट एसर टेलीकॉम में, जहाँ पे हजारों बच्चे पढ़ के गए हैं और आज बहुत अच्छा नाम और पैसा कमा रहे हैं और जुड़े हुए हैं उस इंस्टीट्यूट में, आज एक टूजर से लेकर एक माइक्रोस्कोप तक और डीएसओ तक सब जेडेक्स मलिक सर का है। ये सब कुछ इनका खरीदा, इनका ही है, यहाँ पर एक भी टूल कहीं से नहीं खरीदा है और इसीलिए जेन्युइन है, क्योंकि सर ने कभी भी कॉपी माल में सप्लाई नहीं की। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो ये सारे टूल हैं यहाँ पर, ऐसा नहीं है कि सारे टूल यहाँ पर दे रखे हैं। जो लोग मान के चलते हैं गरीब परिवार से भी आते हैं, ऐसा नहीं है कि वो बिल्कुल हाई लेवल के यहाँ पर टूल हैं उन्हें खरीदे। तो यहाँ पर सभी प्रकार के टूल हैं, सस्ते वाले भी हैं, महंगे वाले हैं, बट जो आयरन है और जितने भी मेन प्रोडक्ट मेन यहाँ पर जो भी है वो सब कुछ ब्रांड में ही मिलेंगे आपको यूज करने के लिए और सभी को बराबर। किसी को कि अगर कोई गरीब है जैसे भी इन्होंने कहा या कोई ऐसा है तो उसे 300 वाला 400 वाला आयरन दे दिया और दूसरे को एक को माइक्रोस्कोप अच्छी वाली दे दी, एक को बेकार वाली, ऐसा यहाँ कोई भी भेदभाव किसी के साथ नहीं किया जाता, जो है वो सबके लिए है। अभी ये देखिए यहाँ पर पेट्रोल नहीं है, लिक्विड है, बहुत सारी जगह पेट्रोल होगा, वो सेट बनाएंगे, एक सेट बनाएंगे और पूरा ऑन करेंगे, तो एक बहुत अच्छा ही सेट बनाएंगे जिससे हमारे को एंडलेस नॉलेज मिलेगा। पावर आईसी रिवॉल्व करके वो सब रिवॉल्व करके तो हम सेट बनाएंगे। सो अभी दीपक सर इसका पोर्ट चेक कर रहे हैं, देखिए। सो इसका ईडियल पॉइंट दिखाओ, ईडियल पॉइंट क्या देखा आपने यहाँ पर, रेडमी वाई टू। अब एक बार ये चेक कर रहे हैं कि पोर्ट क्यों नहीं बन रहा है, तो एक बार इसमें चार्जर लगा के ईडियल वोल्टेज चेक करेंगे। क्या चेक करेंगे, लिखो पोर्ट नो पोर्ट, लिखो नो पोर्ट, इसमें पोर्ट नहीं बना। चेक किया, देखा, हटा। अब बताओ क्या चेक करना है, डाटा माइनस सर, सीसी पे आ जाओ, सब लोग दाम दो, डाटा प्लस डाटा माइनस वोल्टेज चेक करेंगे। पहले देखेंगे 5 वोल्टेज आ रहे कि नहीं आ रहे, डाल दीजिएगा। तो सबसे पहले 5 वोल्टेज देखेंगे इनपुट, क्योंकि यहां पर सीसी ही खराब है, सब लोग दाम दीजिएगा। ये लिया, और चेक करेंगे 5 वोल्ट, कोई वोल्टेज नहीं यहां पर। ये कैपेसिटर भी चेक करो यहां पर,
मतलब 5 वोल्ट ही नहीं आ रहा है, इसका मतलब सीसी क्या है बताओ? अगर मैं समझ में आ रहा है, अब आपको 3 जम्पर मारने हैं, कौन कौन से जल्दी बताओ, मार दो नीचे ही मार दो। सो देखो अब हम यहाँ पे ऊपर टेस्ट पॉइंट मार देंगे, यहाँ पर टेस्ट पॉइंट में ले लेंगे यहाँ पर, तो यहाँ पर हम अपना टेस्ट पॉइंट के हिसाब से 3 जम्पर उठा लेंगे। तो चेक करना ही करना है क्यों, अभी भी बात करना, अगर बक बन रहा है इधर देखो, अगर बक बन रहा है और एलईडी नहीं बन रहा है तो ऑटो पोर्ट आएगा, ये फोन ऑटो पोर्ट बनाएगा, अपने आप खुद से पोर्ट बनाएगा। चलो बन गया पोर्ट, ठीक है। अब दीपक सर यहाँ लाओ, अब इस फोन को फ्लैश करेंगे, देखेंगे ईएमआई आए, पर इसका एक बार ये चेक कर, ये हमने कैसे चेक किया समझना, इसका एलडीओ वोल्टेज चेक करना है। क्या चेक करना है? एलडीओ वोल्टेज। तो एलडीओ वोल्टेज ऐसे चेक होता है, यहाँ पर थोड़ा सा हाइड करके भी डाल देंगे, ये हमें क्लास में खोल के नहीं बताना है। तो देखिए यहाँ पर एमएनसी उतार रहे हैं एम्बेडेड मल्टीमीडिया चिप पैकेज, ईएमसीपी सैंडिक्स का लगा हुआ है, ये है BG254। कौन सा BG है? BG254। अगर एक एमएमसी को प्रोग्राम करने के बाद ओके कंडीशन में लगाने के बाद बार बार लगा रहे हैं फिर भी यही रीडिंग आ रही है तो ये रैम का प्रॉब्लम हो सकता है, ध्यान देना, आपको एमएमसी चेंज ही करनी है। क्योंकि एमएमसी के अंदर सर ने पहले बोला एमएमसी अकेली नहीं है, एमएमसी के साथ में क्या हुआ है, रोम और रैम। तो इसका बेसिकली रोम जो है, इसका जो रैम है वो भी खराब हो सकता है। हम एमएमसी के पार्ट को चेक कर सकते हैं, रैम के पार्ट को चेक नहीं कर सकते, ध्यान देना। सो यहाँ पर ये जो भी डाटा आएगा ये एमएमसी का आएगा, अब इसको पता चलेगा, मिलन सर एक्सप्लेन करेंगे कि लॉक सीट में क्या आना चाहिए। देखिए कोई भी आईसी लगा, देखिए हमने एक आईसी कनेक्ट किया और ये आईसी जो है ये कनेक्ट हो गया है, देख सकते हैं, और यहाँ पे इंफॉर्मेशन में आया है, जो भी इंफॉर्मेशन में है हमारी मैन्युफैक्चर आईडी ओके है, मैन्युफैक्चर आईडी में हम देखते हैं जनरली की ब्रांड का नाम आना चाहिए, अगर यहाँ पे आ गया आपका अननोन लिख के आ गया तो उस आईसी को आप रिपेयर नहीं कर सकते हो, वो डैमेज है, उसके नीचे प्रोडक्ट है, ये सारी चीज क्लास में एक बाय एक हम चेक करते हैं। अब यहाँ पे जो भी प्रॉब्लम है हम देख रहे हैं कि यहाँ पे एंड्रॉइड इंफॉर्मेशन आना चाहिए, मतलब इस आईसी के अंदर जो सॉफ्टवेयर है फ्लैश फाइल, जो फ्लैश फाइल है वो वॉइस है, ये आना चाहिए, ये है नहीं यहाँ, बिल्कुल ठीक है। और हम एक चीज और देखेंगे, यूजर पार्ट में आएंगे और यूजर पार्ट में यहाँ पे आपके पार्टीशन होना चाहिए, पार्टीशन पूरा प्राइमरी जीपीटी और बैकअप जीपीटी के पार्टीशन होना चाहिए और ये पार्टीशन बिल्कुल ब्लैंक, ठीक है। अब इस आईसी अभी तो पता चला कनेक्ट तो हुआ है लेकिन पूरी तरीके से ब्लैंक है, क्या है, खाली है, इसके अंदर कुछ नहीं है। अब इस आईसी को हम टेस्ट करेंगे, क्या करेंगे, टेस्ट करेंगे। सबसे पहले तो मैं इसका तो स्मार्ट रिपोर्ट लूंगा, सबसे पहले क्या लूंगा, स्मार्ट। अब स्मार्ट रिपोर्ट में देख सकते हैं यहाँ पे एसएलसी मेमोरी खराब हो चुका है। एसएलसी मेमोरी क्या होता है, एमएलसी मेमोरी क्या होता है, ये क्लास में है। एसएलसी मेमोरी सिंगल लेयर सर्किट और एमएलसी मेमोरी मल्टी लेयर सर्किट, और एसएलसी मेमोरी जो बना हुआ होता है बूट वन और बूट टू आरपीएमबी सेक्शन। आपको हमें सेट की फोटो और आपको हमें बता, जैसे आपने से कोई मांगा सर रेडमी 7 इंजीनियरिंग फाइल चाहिए, तो आपको हमें व्हाट्सएप पर सेट की फोटो देनी होगी, एमएमसी की लॉक सीट देनी होगी, उसके बाद ही आपको इंजीनियरिंग फाइल मिलेगी, ठीक है, ठीक है। बैकअप फिर आने से पहले नहीं, एक्सेल टेलीकॉम ज्वाइन करने से पहले और आने के बाद कमाई में अंतर बताओ, कमाई बड़ी की नहीं बड़ी बताओ,
क्योंकि अफसोस है, नॉलेज मिला है, जो लाइन नहीं बना पा रहे वो लाइन को बना पा रहे हैं, जो फॉल्ट नहीं बना पा रहे वो फॉल्ट को बना पा रहे हैं, सीपीयू एफिशिएंसी के पास काम कर पा रहे हैं, तो कमाई तो बढ़ेगी ना। दिमाग में कंसेप्ट रखने के लिए तो सर इसमें चेक करते हैं, पहले क्या ये कौन 0.09 पे स्टक हो रहा था, ध्यान दीजिएगा, बताना चालू हुआ कि नहीं हुआ, बताना। यहाँ पे पावर पे हीट क्यों नहीं थी, जल्दी बताओ, क्योंकि अब हम नॉर्मल टेक्नीशियन नहीं है, अब हम स्किल्ड टेक्नीशियन है। क्या हमको पता है कि पावर पे हीट देने से सेट चालू नहीं होता? सर मिस्टर अभी तक कोई यूट्यूब में नहीं बताया हो, क्या नाम है आपका? संतोष। अभी आप क्या करने वाले हैं? सीपीओ निकल रहा हूँ। कौन सा फोन है ये? MI Y1 है जी। तो अभी आप इसका सीपीओ निकालने वाले हैं?